हरिताल पंजाब बैंक कॉलोनी में रहने वाले दुर्गेश चौधरी द्वारा कच्चे मकान को पक्का बनवाया जा रहा था। दुर्गेश चौधरी के इस निर्माण में महज 1.5 फुट जमीन अतिक्रमण में आ रही थी, जिसके एवज में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी उमेश सोनी द्वारा उससे 25,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। जब उसने अतिक्रमण तब तक पहुँच कर मोल भाव किया तो सौदा 10,000 में तय हुआ। इस बात की शिकायत उसने लोकायुक्त विभाग को की थी, जहां पर लोकायुक्त की टीम ने दुर्गेश चौधरी के साथ अतिक्रमण विभाग पहुंचकर दबिश थी। जब दुर्गेश चौधरी उमेश सोनी को 10,000 रुपए रिश्वत देने लगा, तब उमेश सोनी ने वहां रुपए ठेका कर्मचारी पंकज केवट को दिलवा दिए। लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत के साथ पंकज केवट और अतिक्रमण प्रभारी उमेश सोनी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे को पता चला, फिर मैं ऑफिस गया नगर निगम। नगर निगम में ऑफिस करके उन्होंने बोला कि आप जितने दस्तावेज हैं वो मंगवाएं और यहाँ पे प्रस्तुत करें। तो मैं वहाँ पे पूरी फ़ोटो काफ़ी लेकर गया सर के पास। सरों ने बोला कि पापा से कितने पैसे बोले थे, उन्होंने बोला 25,000 रुपये। तो फिर उन्होंने वो मैंने 5,000 रुपये की बोला, तो उन्होंने बोला नहीं 5 नहीं, इससे डबल करिए, तो 10,000 की रिश्वत मैंने उनको दी। किस चीज़ के लिए मांगी थी आपको? ये 3 फुट की जमीन थी, 1.5 फुट मैंने छोड़ दिए था, और 1.5 फुट बोलते ही अतिक्रमण में टूट जाएगा आपका, तो उनके लिए रिश्वत मांग रहे हैं। कहाँ पर घर है? ये पंजाब बैंक कॉलोनी चेरीताल दमोनाका रोड। नया मकान बन रहा कि पुराना है? ये कच्चा मकान था, क्या पानी में गिरने वाला था, तो उसमें मैंने निर्माण करवाया पक्के मकान का, नया कंट्रस्ट का, यानी टूट फूट जो भी हो वो करवाया मैंने। आपका शुभ नाम? दुर्गेश चौधरी। दिनांक 28/7/21 को प्रार्थी दुर्गेश चौधरी ने लोकल कार्यालय जबलपुर में आकर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने कि नगर निगम अतिक्रमण शाखा में पदस्थ उमेश सोनी के द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पिताजी के द्वारा एक भवन निर्माण कराया जा रहा था, जो उसकी शिकायत हुई थी कि 1.5 फीट ज़्यादा बढ़ाकर उनके द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है। तो उक्त मामले को रफा दफा कराने के एवज में आज उमेश सोनी द्वारा प्रार्थी को नगर निगम कार्यालय अतिक्रमण शाखा में बुलाया गया, और जब इसको टेप इशू करके हम लोगों ने कल भेजा गया था तो उसके द्वारा 25,000 रुपये डिमांड की गई थी, पर मोल भाव करने पर यह 10,000 रुपये लेने के लिए राजी हो गया था। तो उक्त तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कर आज टीम को व प्रार्थी को जब नगर निगम कार्यालय भेजा गया, और जब प्रार्थी के द्वारा उमेश सोनी को पैसा दिया गया तो उसके द्वारा कहा गया कि ठेका कर्मी एक उसी के साथ जो काम करता है, ठेका कर्मी का नाम है पंकज केवट, उसको पैसे दे दे। तो प्रार्थी द्वारा जो ठेका कर्मी उसको पैसा दिया गया और उसने पैसा लेकर अपनी जेब में रख लिया। चूँकि रिकॉर्डिंग में उमेश सोनी की हुई थी और पैसा केवट के द्वारा लिया गया, इसलिए दोनों को केवट को सह आरोपी और मुख्य आरोपी उमेश सोनी को आज बनाया गया। उमेश सोनी नगर निगम शाखा में दल प्रभारी हैं, जोन क्रमांक 13, 14 और 15 में अतिक्रमण शाखा। शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम स्वप्निल दास, मैं दल प्रभारी के रूप में आज हैं कार्यरत। दिनांक 28/7/21 को प्रार्थी दुर्गेश चौधरी ने लोकल कार्यालय जबलपुर में आकर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने कि नगर निगम अतिक्रमण शाखा में पदस्थ उमेश सोनी के द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पिताजी के द्वारा एक भवन निर्माण कराया जा रहा था, जो उसकी शिकायत हुई थी कि 1.5 फीट ज़्यादा बढ़ाकर उनके द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है। तो उक्त मामले को रफा दफा कराने के एवज में आज उमेश सोनी द्वारा प्रार्थी को नगर निगम कार्यालय अतिक्रमण शाखा में बुलाया गया, और जब इसको टेप इशू करके हम लोगों ने कल भेजा गया था तो उसके द्वारा 25,000 रुपये डिमांड की गई थी, पर मोल भाव करने पर यह 10,000 रुपये लेने के लिए राजी हो गया था। तो उक्त तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कर आज टीम को व प्रार्थी को जब नगर निगम कार्यालय भेजा गया, और जब प्रार्थी के द्वारा उमेश सोनी को पैसा दिया गया तो उसके द्वारा कहा गया कि ठेका कर्मी एक उसी के साथ जो काम करता है, ठेका कर्मी का नाम है पंकज केवट, उसको पैसे दे दे। तो प्रार्थी द्वारा जो ठेका कर्मी उसको पैसा दिया गया
और उसने पैसा लेकर अपनी जेब में रख लिया। चूँकि रिकॉर्डिंग में उमेश सोनी की हुई थी और पैसा केवट के द्वारा लिया गया, इसलिए दोनों को केवट को सह आरोपी और मुख्य आरोपी उमेश सोनी को आज बनाया गया। उमेश सोनी नगर निगम शाखा में दल प्रभारी हैं, जोन क्रमांक 13, 14 और 15 में अतिक्रमण शाखा। मेरा नाम स्वप्निल दास, मैं दल प्रभारी के रूप में आज हूं। वॉइस ऑफ राइट्स के जलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।